ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 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 ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ अच्छा प्रो राइडर 1000 आ ये जेवर वाले रोड पे तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसका जो उधर का उत्तराखंड का है ना लड़का प्रो राइडर अरे उसके उसके घर वालों ने मुकदमा कायम करा था उसके साथियों के खिलाफ हाँ 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 सुना था। हेलो मेरे भाइयों, जय श्री राम भाई। आज संडे राइड पे जा रहे हैं और आज आ रहे हैं भाई बहुत सारे बंदे। तो भाई सबसे पहले तो हम अपनी जा रहे हैं अपाची से और यहाँ पे कर रहे हैं शाहरुख का इंतजार और शाहरुख आएगा वहाँ से सामने से और अंधेरा हो रहा है फुल तगड़ा वाला। एक बार शाहरुख का इंतजार करते हैं, पहले आने देते हैं शाहरुख को और फिर दिखाते हैं भाई कौन कौन जाने वाला। और काफ़ी ज़्यादा बंदे आने वाले आज। आज शायद सौरभ भाई नहीं आएंगे या आ जाएंगे भाई, उनका कन्फर्म नहीं है। देखते हैं सौरभ भाई आते या नहीं आते। बाकी कौन कौन आते हैं ये आपको मैं आगे दिखाता हूँ। देख रहे भाई इतना टाइम हो गया और बंदा अभी तक नहीं आया। आया क्यों नहीं ये देखो भाई, अभी गाड़ी में ना खुल रही है चेन, चोर की तरह खोल रहा। एक बार हमारा साथ का पार्टनर ये भी आ गया भाई अपाची 310 लेके। दोनों को आने देते हैं भाई, पहले चलो एक तो आ रहा है, एक को दिखाते हैं भाई। ये देखो ये वाली बाइक आ रही है। बढ़िया भाई, अब ये भी लिए ना भाई ये वाली। सही है सही है। ये देख लो भाई, इस बंदे की ना आदत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। 6 बजे फ़ोन करता है और 6:30 बजे बोलता है भाई यार थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाऊँ, मुँह धो लूँ जब निकलता हूँ। और ये बंदा उससे पहले आके खड़ा है यहाँ पे। शर्म नहीं आती क्या तुझे? है वे तेरे से पहले उठा हुआ था मैं। यहाँ से चलते भाई फटाफट, पहले आजा आजा, इसके चक्कर में यार औरों बंदों को मुझे भी इंतजार करवाना पड़ता है यार। भाई फटाफट चलते पहले आशीष भाई के यहाँ पे जहाँ वो खड़े हैं और उसके बाद करते हैं वहाँ से कंटिन्यू। और भाई यहीं कहीं वेट कर रहे हैं भाई, हम पहुँच चुके हैं कालिंदगंज मेट्रो स्टेशन के पास में। वो खड़ी अपनी भाई डेटोना। यही लगाते भाई के पास पहले। राम राम भाई। अरे प्लास है, प्लास। क्या है? प्लास है, प्लास। क्या हो गया? यार इसका होस पाइप टाइट करना है कूलेंट का। ये कैसे ढीला हो गया? थोड़ा सीधा करोगे? थोड़ा सा सीधा करो बाइक को, इसको टाइट करना है। हाँ, ये टाइट मतलब ढंग से सही जगह पे लगा हुआ नहीं है। देखो लाइट मार के एक बार, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन। भाई देखो कूलेंट कूलेंट गिर गया यार भाई की बाइक में सुबह सुबह। केड़ा लगा हुआ है ये, तो इसको कैसे लगाना है? मतलब मतलब देखो उसकी पुरानी जगह दिख रही होगी तो और आगे की तरफ है क्या ये लगा हुआ? पीछे की तरफ। पीछे लगा हुआ है? हाँ, पीछे की साइड से थोड़ा पीछे होएगा। प्लास है या नहीं है? इस पे चलते हैं वरना। किस पे? ये जो खोखा है। इसने खोल रखा अभी? अरे उठा देंगे कोई नहीं। चलो चलो। अरे वो कूलेंट गिर रहा है ना इसमें से, देखने रहे यहाँ से कूलेंट गिर रहा है। तो भाई देख लो भाई, यहाँ पे भी कूलेंट बहुत ज्यादा फैल चुका है और भाई अभी प्लास से ठीक कर रहे हैं, पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब निकलेगा या अब नहीं निकलेगा भाई? अब नहीं निकलना तो नीचे है। उसकी जो स्प्रिंग क्या बोलते हैं क्लिप होती है ना वो, ये वाली क्लिप है। थोड़ी सीधी करना इसे, ये जो क्लिप लगी हुई है ना इसमें, ये वाली क्लिप। ये क्लिप ना भाई थोड़ी गलत जगह पे सेट हो गई थी तो इसलिए निकल रहा था वो। चलो भाई देखते आगे निकलता कि नहीं निकलता। खैर अगर थोड़ा बहुत अगर निकल भी जाए, रख दो यार किसी का है नहीं तो हम तो सोच रहे थे भाई लेके चलते, क्योंकि हमें भाई जरूरत पड़ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। सर कोई बात नहीं, मैं रख देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे, आगे भी मिल जाएगा हमें। और भाई लेट हो गए हम सारे बंदे, देखते भाई आगे बंदे इंतजार कर भी रहे या हम सोच रहे हम लेट हो गया। अब यहाँ से चलते भाई, देख लो भाई कूलेंट वूलेंट पूरा वो कर दिया, घुमा लो। पीछे शाहरुख बोल रहा है भाई कहाँ रह गए। जब भाई उसने लेट करा तो कोई बात नहीं, अब हम नहीं कर सकते लेट। हैं
क्या ठंड है बिडू, क्या ठंड है। जैसे जैसे मौसम थोड़ा थोड़ा साफ होते रहता है ना भाई, तो ठंड कम होते रहता है। नहीं भाई, जब सुबह सुबह जो ठंड लगती है यार, खतरनाक। भाई पेट्रोल डलवाने के लिए गए थे ये नीचे, शाहरुख और ये भाई लेके गए थे अपना दोनों पेट्रोल डलवाने, आशीष भाई। अब पेट्रोल डल गया, अब भाई नीचे करेंगे दो चार पाँच मिनट इंतज़ार, जो जो बंदे नहीं आए उनका आने का इंतज़ार करेंगे, और जैसे वो आते हैं भाई फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। और भाई यार सुबह सुबह ही बताओ यार, बाइक में जब सीन हो जाता है ना यार, बंदे का राइड पर जाने का ना आधा मन तो वहीं मर जाता है यार, कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। एक तो इतना सुबह सुबह उठो कि चल भाई आज तो राइड पे जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, और भाई सुबह सुबह जाने से पहले यार ऐसा सीन हो जाता है ना, तो भाई बहुत दिमाग ख़राब होता है। खैर अब तो उसे ठीक करवा लिया भाई, देखते हैं आगे निकलता है या नहीं निकलता। निकलेगा अभी तो खैर कुछ कर तो नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे करते भाई अपन इंतज़ार। ओह पहले से बाइक खड़ी है भाई यहाँ पे तो दो चार। देखते भाई कोई जानता है नहीं जानता यहाँ पे। बुलेट नहीं आई भाई पिछली बार वाली, बुलेट नहीं आई, बुलेट कहाँ गया, वहाँ चले गए क्या वो? हाँ सौरभ भाई कह रहा यार तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला ले भाई, भाई देख लो पुलिस वाले आ गए भाई यहाँ पे, और बोल रहे भाई यहाँ पे तुम लोग खड़े किस लिए हो भाई, ये अपनी बाइक है। और भाई ऐसी बाइकों को देख के तो भाई ये लोग समझ ही जाते हैं कि भाई बंदे भगाएंगे, तो वही पूछ रहे हैं भाई तुम बाइक वाइक भगाओगे वगाओगे तो नहीं, तो वही बात कर रहे हैं। सुनाता हूँ भाई पास से थोड़ा, कम्युनिटी है कुछ लोग हैं आपस में इकट्ठे बैठ के सुबह सुबह चार बात हो जाती हैं, बातें करके अपना वापस आ जाते हैं, एक तरीके से गेट टुगेदर है। आप ये समझ लीजिए, आप रोज़ रोज का नहीं होता है, किसी संडे को ही होता है, किसी संडे को ही होता है। अभी हम आप ये लगा लो कि हम महीने में ही हमारी पहली राइड, एक महीना हो गया हमने की हुई, एक महीने में पहली बार आए आप सुबह सुबह। जो ऑफिस जाने वाले जितने भी लोग हैं जिनसे बातचीत पहले होती थी अपने लिए, वो साथ बैठ के चार बातें कर लेते हैं, काम की कुछ बात हो जाती है, उसके बाद गर्मियों में जैकेट वगैरह जनाब इतनी होती है ना, मतलब अच्छा प्रो राइडर 1000 आगरा में ये जेवर वाले रोड पे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसका, जो उधर का उत्तराखंड का है ना लड़का, उसके साथियों के खिलाफ। हाँ 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 सुना था, उनके वीडियोस भी आए थे बाद में, क्योंकि उसके कैमरे वैमरे गुम हो गए थे ना, इस चक्कर में कर दिए थे। अच्छा जी, भाई यहाँ पे ज़्यादा वेट मत करो, कह रहे हैं कि भाई जितने आते जा रहे हैं वो धीरे धीरे निकलते जाओ, एक बार में यहाँ पे भीड़ मत करो ऐसे कह रहे हैं। वो
फोन कर दो ना, हाँ फोन करके बोल दो कि भाई हम लोग निकल रहे हैं। चल लो यहाँ से, चल लो और क्या, यहाँ ज़्यादा देर इंतज़ार मत करो, फ़ोन कर दो। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, पता चले गाड़ी वाड़ी पकड़ लो और बंद कर दे सबों की गाड़ी, उससे पहले निकल चलो यहाँ से। चलो भाई चल रहे हैं, नहीं तो भाई ये धीरे धीरे ना सबों का चलान वलान बना देंगे। देखो ये फिर आ रहे हैं, चलो भाई अपना भाई पहले यहाँ से निकल चलो, ताकि भाई कोई रोक ना पाए और कुछ बोल ना पाए। पता चल भाई पता भी नहीं चलता कब ये चलान कर देते हैं, और हमारे पास सीधा एक नोटिफिकेशन आता है भाई इतने का चलान हो गया और उसे पे करो फिर। आजा भाई आजा, ये अमन था भाई, ये यहाँ अकेले अकेले खड़ा होकर सोच रहा भाई बंदे तो है नहीं यार, निकल तो नहीं गए। और वो कह रहा था कि मतलब पुलिस वाला जो था वो कि ये कह रहा था कि भाई इधर एक्सीडेंट भी हुआ था एक बार, वो प्रो राइडर वाले एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था कि भाई उसका मुकदमा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स ने क्या कहते हैं उनके ग्रुप वालों के साथ ही क्या कहते हैं उनके ऊपर ही केस कर रखा है, ऐसा ऐसा ये कह रहे थे भाई, जो कि भाई आप लोगों ने देख लिया होगा और सुन भी लिया होगा। मतलब जितने भी बंदे राइड कर रहे थे साथ में उनके ऊपर ही क्या कहते हैं केस कर रखा है कि भाई इनकी वजह से हुआ, भाई वो हम तो थे नहीं भाई, देखो हमें पता नहीं है कौन क्या बोलता नहीं बोलता उसके बारे में भाई बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जो पुलिस वाला कह रहा है भाई वो मैंने आप लोगों को सुना दिया। बाकी भाई अपन चलते हैं भाई जल्दी जल्दी ऊपर, ऊपर मतलब हाईवे पे। और वो कह रहे हैं भाई आज ना सकता ही ज़्यादा है, पता नहीं किस चीज़ की सकता ही है, वो शायद यहाँ से भगाने के लिए कह रहे हो उसका तो मुझे पता नहीं, बट आगे चलते और देखते भाई क्या चीज़ की सकता ही हो रही है आगे। यहाँ लगाते पहले साइड में और देखते भाई बंदे पीछे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे या हम ही निकल गए। और भाई हम पहुंच गए ये हाईवे पे, उससे पहले भाई ये बाइक रॉयल एनफील्ड की मेट्योर 650। अब भाई ऊपर हाईवे पे हमारा वेट कर रहा है विक्की। अब भाई सारे बंदे सारी सुपर बाइक सब पीछे है अभी भाई, हमने सोचा कि भाई हम निकल जाते हैं यहाँ से और सीधा हाईवे पे पहुँचते हैं और वहाँ पे इंतज़ार करेंगे, क्योंकि भाई उनके पास तो सुपर बाइक से है, वो भाई जल्दी पहुँच जाएंगे तो क्यों ना हम पहले पहुँच जाएँ, और ऊपर रुकने के बाद हम उन्हें फ़ोन कर देंगे एक बार कि भाई हम लोग तो पहुँच गए और आप लोग भी आ जाओ जल्दी। यहाँ वो वेट कर रहा है भाई, हम लोग पहुंच गए जेवर भाई, बहुत ख़तरनाक वाली ठंड है आज, बहुत ख़तरनाक, पूरे हाथ मत सुन हो गए, बंदे सारे पीछे हैं ये आ रहे हैं। यहाँ से भाई लगाते हैं पहले अंदर और फिर खाना वाना खाते खाते करेंगे भाई। हाँ हाँ यहाँ नहीं वहीं लगाएंगे। हाँ भाई अपने साथ की डेटोना वेटोना जितनी भी थी वो सब आगे निकल गई, कहाँ लगाएं यहीं लगाते हैं हम अपनी। उस साइड आ जाओ, उस साइड यहीं लगाते हैं भाई। ये भाई लाइन चेक करो अपनी पुरानी वाली ग्रुप का,
में ना इसी ग्रुप में राइड करता था मैं। ये अपना है पुराना वाला ग्रुप जितने भी, ये वही लाल वाली S1000 RR है जो हमारे साथ राइड करती थी जिसका चेन टूट गया था एक बार। और अभी दुर्गेश भाई भी आया हुआ है, सब मिल गए हैं। बाकी भाई हम भी यहाँ से वीडियो शूट करने के बाद हम भी निकलते अपना रील वील शूट करेंगे हम जो भी हमें करना है। और भाई शाहरुख और वो एक और बंदा था वो दोनों चले गए भाई घर। देखो भाई दुकाटी, हाँ हाँ हाँ, आवाज़ सुनने में तो मज़ा आता है यहाँ पे। तो भाई अपन यहाँ से सारे निकल रहे हैं भाई, रील वगैरह सारे शूट कर लिए हमने, मस्त रील वील बन गई। अब यहाँ से निकलते हैं भाई घर, आज भाई इस पे भी रील बनाया था। चलो भाई आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।